दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Vivo T2 Pro 5G जो है इंडियन मार्केट में 22nd ऑफ सितंबर को लॉन्च होने वाला है और दोस्तों फाइनली वो डेट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है Vivo अपने T2 Pro 5G को लॉन्च करने वाला है। अब उससे पहले हम चलिए कुछ स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम फ्लिपकार्ट के लैंडिंग पेज पे आ चुके हैं जहाँ पे Vivo T2 Pro 5G लिस्ट था। यहाँ पे 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जैसे यहाँ मेंशन करा गया था, आपको 6.78 इंच का एक फुल HD प्लस वाला कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जहाँ पे 120 हर्ट्ज का हाइगर रिफ्रेश रेट लाकर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है स्लिमेस्ट स्मार्टफोन इन द सेगमेंट, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। एंड यहाँ पे फास्टेस्ट स्मार्टफोन इन द सेगमेंट यही बोला जा रहा है। तो यहाँ आपको मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 7200 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों हाँ यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 782G से भी इसको बेटर चिपसेट बताया जा रहा है। 7050 से तो बेटर चिपसेट है ही, बट 782G से भी बेटर चिपसेट बताया जा रहा है। एंड 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी OIS वाला कैमरा देखने को मिलेगा। एंड सेकेंडरी कैमरा सो कॉल्ड 2 मेगापिक्सल का चिप दिया जाएगा। फ्रंट कैमरा वैसे 16 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कैमरा सैंपल्स है। एंड यहाँ पे सीरीज टी के बारे में इन्होंने कुछ कुछ बताया है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशनड है। एंड टर्बो रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे दिया गया है, इनके जो प्रीवियस जनरेशन के स्मार्टफोन्स थे उसके बारे में कुछ कुछ यहाँ पे बताया गया, जानकारी दी गई है। खैर यहाँ पे इतना ही जानकारी लिस्ट होकर आई थी, बट एडिशनली मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ 4600mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है जो कि 66W के फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगा। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह होंगे। एंड हाँ 3.5 mm जैक मिसिंग होने वाला है, डुअल सिम का सपोर्ट वगैरह होगा। एंड एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है स्मार्टफोन। तो ये सब स्पेक्स की कहानी थी। हाँ iQOO G7 Pro 5G का रीब्रांडेड है स्मार्टफोन, कुछ भी चेंज नहीं करा गया, उसी को बस यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा। एंड अब जिसका आप सभी वेट कर रहे थे प्राइसिंग का, तो एक्चुअली अभी तक तो स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है तो, बट जो प्राइसिंग लीक होकर आई है बताई चले कि ऑफिशियल प्राइसिंग है और एक्सपेक्टेड प्राइस आप कह सकते हैं वो बताई चले कि 24,999 रुपये इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ 24,999 रुपीज़ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ पे हमें जो फेस्टिव सेल्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छे बैंक ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, बट हाँ एज ऑफ नाउ बताया जा रहा है कि इसकी प्राइसिंग 25,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। 25,000 ही एग्जैक्ट प्राइसिंग बताई जा रही है कि 25,000 ही हो सकता है। मे भी हो सकता है कि ये किसी और वेरिएंट का हो, मतलब 8+1 128 या फिर जो यहाँ पे हायर वेरिएंट है उसका भी हो सकता है। तो डेट डिपेंड्स ऑन वेरिएंट्स की कितना प्राइसिंग यहाँ पे होगी। तो 8+256 का भी हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है बेस्ट ऑन द हाईएस्ट एंटीटू V10 टेस्टेड ऑन 8+256 वर्जन इन वीवो ब्रांड अंडर 25K। अंडर 25K का स्मार्टफोन होने वाला ये तो बिल्कुल कन्फर्म ही है। तो बस यही जानकारी थी जो हमको देना चाहता था Vivo T2 Pro 5G से रिगार्डिंग। धन्यवाद।